चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना की। देश पर कोरोना महामारी का खतरा तो मंडरा ही रहा है, अब इसके साथ महंगाई की मार भी देशवासियों पर पड़ने लग गई है। पेट्रोल डीजल हर रोज महंगा हो रहा है, रसोई गैस महंगी हो चुकी है और अब महंगे आइटम की लिस्ट में मदर डेयरी का दूध भी शामिल हो गया। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, एलपीजी गैस बढ़ गया, अब आदमी क्या करेगा? ऐसे ही रेट बढ़ते रहेंगे तो आम आदमी क्या खाएगा? गरीब आदमी बहुत परेशान है। 7 साल हो गए विकास नहीं हुआ, अब और कितने टाइम, मतलब 100 रुपए का पेट्रोल कब तक देना पड़ेगा हमको? जेब खाली हो गई है, ये लगा लो, बुरी तरह से हालात कर दिए हैं। परेशानी ही सुख का आनंद देती है। महंगाई ने आम लोगों की हालत खराब और जेब खाली कर दी और चूल्हे पर खौलते इस दूध की तरह आम आदमी का गुस्सा भी कुछ हद तक खौलने लगा है। वजह रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी हर सामान की कीमतों में बढ़ोतरी। 1 जुलाई से अमूल दूध महंगा हो चुका है और अब मदर डेयरी ने भी कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली NCR में मदर डेयरी से टोकन से मिलने वाले दूध की कीमत 42 रुपए लीटर से बढ़कर 44 रुपए हो गई है। वहीं फुल क्रीम दूध की कीमत 55 रुपए लीटर से बढ़कर 57 रुपए हो गई है। टोन मिल्क अब 45 की जगह 47 रुपए लीटर मिलेगा। डबल टोन दूध की नई कीमत होगी 41 रुपए लीटर। गाय के दूध की कीमत 47 रुपए लीटर से बढ़कर 49 रुपए हो गई है। महंगाई का असर क्या देख? इस पर असर तो आम पब्लिक पे पड़ता ही है, इसमें तो कोई भी वर्ग के लोग हो। महंगाई कम होनी चाहिए, ये तो आम जरूरत है, अगर ऐसे ही रेट बढ़ते रहेंगे तो आम आदमी क्या खाएगा? गरीब आदमी अपना दिन पहले दूध और चाय से स्टार्ट करता है, दूध के तो प्राइस 5 रुपए 10 रुपए कम होने चाहिए। हर कोई यूज करता है इसको, तो इसके रेट नहीं बढ़ने चाहिए, मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आम आदमी को सिर्फ दूध की कीमतें ही नहीं सता रही, बल्कि उसको टेंशन इस बात की भी है कि देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी, डीजल की कीमतें भी 90 रुपए लीटर के आसपास। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी पिछले ही हफ्ते 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। मई में खुदरा और थोक महंगाई दर के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई थी, मतलब मध्य वर्ग पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है और आंकड़ों के मुताबिक एक साधारण परिवार का खर्च 40% तक बढ़ चुका है और मुद्दा आम आदमी से जुड़ा है, इसलिए सियासी दल भी एक्टिव है। शनिवार को मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ईंधन की बढ़ी कीमतों का विरोध दर्ज कराने के लिए बैलगाड़ी पर निकले, तो देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर फेंक कर विरोध दर्ज कराया। अलीगढ़ और ग्वालियर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। हालांकि मुंबई में कांग्रेस का प्रदर्शन बैलगाड़ी के टूटने की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहा। तो जैसे बैलगाड़ी भार नहीं उठा पाई, वैसे ही अब आम जन का कंधा भी महंगाई का बोझ नहीं उठा पा रहा। ऊपर से बीजेपी नेताओं की बेतुकी बयानबाजी जख्मों पर नमक रगड़ने जैसी है। अब जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है, जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। चुनाव आता है तो जनता नेताओं के लिए जनार्दन बन जाती है, लेकिन जब उसी जनार्दन की परेशानी का मुद्दा आता है तो ओम प्रकाश जैसे नेता दार्शनिक बन जाते हैं और बेचारी जनता अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दी जाती है। जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, भाड़ा महंगा होने का असर हर सामान की कीमत पर पड़ता है। महंगाई कैसे आपकी जेब पर डाका डाल रही है ये बता रही है शिखा। किस्मत के भरोसे छूटी जनता महंगाई को लेकर हाय हाय करने के सिवा इस वक्त और कर भी क्या सकती है। जनता हाय हाय सिर्फ केवल ईंधन तेल और दूध की कीमतों के चलते नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम आने वाली तकरीबन हर चीज के लिए कर रही है, क्योंकि हर एक चीज महंगी हो चुकी है। इस टच स्क्रीन के जरिए हम आपको ये बताते हैं कि वो कौन कौन से सामान है जो पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात
पेट्रोल डीजल की करें, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आपने देखा। तो जुलाई 2020 में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 46 पैसे थी, वही जुलाई 2021 में इसका भाव बढ़ जाता है और 100 रुपए 97 पैसे हो जाता है, और इसमें प्रतिशत में इजाफा तकरीबन 25%। वही अगर हम डीजल की बात करें तो 76 रुपए 53 पैसे, वही जुलाई 2021 में डीजल की कीमत थी 89 रुपए 94 पैसे, 18% का इजाफा। रसोई गैस की अगर बात करें जो आपके घर में रोज इस्तेमाल किया जाता है, 594 रुपए, वही जुलाई 2021 में इसकी कीमत बढ़ जाती है और हो जाती है 809 रुपए, 36% का इजाफा रसोई गैस में हो जाता है। अब अगर सरसों तेल, सोया तेल, सनफ्लावर तेल जिसका इस्तेमाल आप रोज खाने में करते हैं अगर इसका जिक्र करें तो आपको बता दें जुलाई 2020 में सरसों तेल की कीमत थी 138 रुपए प्रति लीटर, वही जुलाई 2021 में इसकी कीमत 168 रुपए हो जाती है और 22% का इजाफा हो जाता है सरसों के तेल में। सोयाबीन तेल का अगर का जिक्र अगर हम करें तो 117 रुपए जुलाई 2020 में इसकी कीमत रही, वही जुलाई 2021 में इसकी कीमत बढ़कर 160 रुपए हो जाती है, यानी 37% का इजाफा। वही सनफ्लावर ऑयल की अगर हम बात करें तो जुलाई 2020 में इसकी कीमत 128 रुपए प्रति लीटर, वही जुलाई 2021 में 202 रुपए प्रति लीटर, यानी 58% का इजाफा सनफ्लावर ऑयल में देखने को मिलता है। अब दूध की अगर हम बात करें जिसका इस्तेमाल भी आप हर रोज घर में करते हैं और इसके बिना मुमकिन नहीं है हर दिन घर चलाना, जुलाई 2020 में 55 रुपए प्रति लीटर दूध का की कीमत रही, वही जुलाई 2021 में 57 रुपए होगी, यानी 4% का इजाफा दूध में देखने को मिला। अरहर दाल की अगर बात करें तो 96 रुपए जुलाई 2020 में अरहर दाल की कीमत रही, वहीं जुलाई 2021 में 110 रुपए हो जाता है, यानी 15% का इजाफा साफ तौर पर देखने को मिलता है। सब्जियों की अगर हम बात करें, हरी सब्जियों की बात करें तो जुलाई 2020 में 50 रुपए, वहीं जुलाई 2021 में 70 रुपए, यानी 20 रुपए का उछाल, यानी 40% का इजाफा साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो ये वो चीज़ें हैं, उन वस्तुओं की हम बात कर रहे थे जिसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल बल्कि उन चीज़ों पर महंगाई बढ़ी है जिसका इस्तेमाल हम हर दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं। देखिए शिखा ने आपको समझाया कि किस तरीके से एक साल के भीतर कैसे जो दाम है वो आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब रुक कर लेते हैं, मदीहा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। मदीहा, पहले तो पेट्रोल और डीजल के दाम हर दिन बढ़ रहे थे, लोगों के लिए एक मुश्किल तो थी ही, अब दूसरी मुसीबत क्योंकि दूध के दाम भी, यानी कि दोहरी मार सीधे सीधे। बिल्कुल दोहरी मार है ये लोगों पर सीधे सीधे, क्योंकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो लगातार महंगी होती जा रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीने से पेट्रोल और डीजल तो बढ़ रहा था, जिसकी वजह से लोगों की जेब पर एक भारी असर हो रहा था। तो वहीं आज सुबह जब लोग मदर डेयरी के बूथ पहुँचते हैं तो लोगों को पता चलता है 2 रुपये प्रति लीटर ये दूध भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करवाती हूँ आपकी, वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि उनके ऊपर कितना असर हो रहा है। सर, सबसे पहले ये बताइए, आज 2 रुपये प्रति लीटर दूध पर बढ़ गया, सुबह पहुंचे पता चला, क्या रिएक्शन था सबसे पहले, क्या सोचा, क्या आया दिमाग में? क्या आया दिमाग में, क्या आना है, गरीब आदमी है, मरना ही मरना है हम लोग को, तो कोई पहले खबर नहीं है, न टीवी पे है न। सर, इस चीज की जानकारी खैर टीवी पे थी पहले, सर मैं ये जानना चाहूंगी कि कितना ज्यादा असर पड़ता है जेब पर जब इस तरह से रोजमर्रा की चीजों पे लगातार पैसे बढ़ते हैं। हाँ, ये एकदम 2 रुपया बढ़ेंगे तो ऐसा असर तो पड़ना ही पड़ना है गरीब आदमी के ऊपर, तनख्वाह कम होते जा रहा है, रेट बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ से आएगा। बिल्कुल, इस वक्त वही बात है शिरीन और शिखा के, आमदनी जो है वो अठन्नी और जो खर्चा है वो रुपया होता जा रहा है लोगों के साथ। यहाँ एक और शख्स उनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जय नारायण। सर मुझे ये बताइए कितना असर आपकी जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे थे तो वहीं सब्जियों के और अब दूध पर भी रेट बढ़ गया है, क्या कहेंगे? अब क्या बताएं, जो हो रहा जो सही हो रहा। सुबह जब पहुंचे पता चला 2 रुपये और बढ़ गया है दूध पर, तो क्या सबसे पहले रिएक्शन था, क्या सोचा, क्योंकि जाहिर सी बात है खर्चा अब और बढ़ने वाला है। तो खर्चा बढ़ते ही जा रहा है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं, कुछ ना कुछ तो करना पहले बताना चाहिए था इनको, सरकार को। लोगों का वाकई ये कहना है कि जो खर्चा है वो बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की जेब पर भी असर हो रहा है, और आज रविवार का दिन है इसीलिए जो भीड़ है ज़्यादा नहीं है इस वक्त मदर डेयरी बूथ पे, वरना अगर अमूमन देखा जाए आम दिनों में वीकडेज पर तो काफ़ी लंबी लाइन होती है मदर डेयरी बूथ पर, लेकिन आज रविवार का दिन है तो लोग देर से ही सोकर उठते हैं, इसीलिए 9 या 10 बजे के बाद ही लोग अमूमन यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन
सबसे बड़ी चीज यही है कि महंगाई, बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। लोग अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं इस चीज को लेकर। और देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे डीजल के दाम बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ गया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सब्जियां महंगी होती जा रही है, मंडी से लेकर बाहर दुकानों तक सभी जगह सब्जी, यानी कि अगर बात करें सब्जियों पर तो काफी ज्यादा जो प्राइस है वो बढ़ गया है। तो वहीं अब दूध पर भी ऐसा है, तो लोगों की जेब पर काफी बड़ा असर इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। ABP News, आपको रखे आगे।